नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार का बड़ा झटका, रसोई गैस 93 रुपए महंगी हुई, सब्सिडी वाला सिलेंडर भी 4.50 रुपए महंगा हुआ। 5,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया। नासा ने पहली बार जारी की अंतरिक्ष में सुनाई देने वाली आवाजों की 22 ऑडियो क्लिप। भूतहा फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है आवाजें सुनकर नहीं आएगी नींद। न्यूयॉर्क हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दिए विदेशी यात्रियों की गहन जांच के आदेश। उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण स्थल के पास सुरंग ढही, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। केंद्र सरकार ने दी उर्वरक कंपनियों की सब्सिडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। यमन के उत्तरी सादा सूबे के बाजार में नाटो के हवाई हमले में 21 लोगों की मौत। टीम से बाहर होने पर भड़के इरफान पठान, कहा जो लोग अपने बॉस के सामने हाँ नहीं करते और उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं कहते उनके बॉस उनके खिलाफ हो जाते हैं। कपिल देव ने कहा भाग्यशाली है आशीष नेहरा, ऐसा सम्मान हर किसी खिलाड़ी का होना चाहिए। भारतीय निशानेबाज पूजा घाट करने राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राहुल द्रविड़ ने कहा अनिल कुंबले को हटाने का तरीका गलत था। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।